फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक खास ट्रिक जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, चाहे रिटेन इंग्लिश हो या स्पोकन, या फिर आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यह लेसन आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कुछ चार्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ ताकि जब मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करूँ तो आप इस बात को आसानी से समझ सकें। MPT 1 2 3 M means adverb of manner, P means adverb of place और T means adverb of time। और ये होता है पहला, ये होता है दूसरा और ये होता है तीसरा। तो फ्रेंड्स, आप ये बात याद रखेंगे, MPT 1 2 3। आइए फ्रेंड्स, अब देखें कि ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको एक ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें कई एडवर्ब्स आए हों तो अक्सर लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस वर्ड का ट्रांसलेशन कब करना है। अक्सर लर्नर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तक ट्रांसलेशन सही करते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, वह अब कमरे में जोर से चिल्ला रहा है। तो फ्रेंड्स, अक्सर मैंने देखा है कि इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आमतौर पर लर्नर सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब्स हैं तो आप बड़े आसानी से उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे M यानी एडवर्ब्स ऑफ मैनर। आप देखिए कि आपके सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ है। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब वह एडवर्ब जिससे किसी काम के करने का ढंग का पता चलता है, किसी काम को करने का तरीका का पता चलता है, उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। एडवर्ब्स क्या हैं? ये कितने तरह के होते हैं, यह लेसन मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो देख चुके हैं और आपको ये बात पता है कि एडवर्ब क्या है, एडवर्ब कितने तरह के होते हैं। अगर आप लेसन पढ़े हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि जोर से यह एक एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहाँ काम करने का ढंग का पता चल रहा है, जैसे वह कैसे चिल्ला रहा है तो आंसर मिलेगा कि जोर से चिल्ला रहा है, यानी उसके चिल्लाने का तरीका क्या है, ढंग क्या है, तो जोर से चिल्ला रहा है। आप सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लिखेंगे यानी जोर से की इंग्लिश लिखेंगे और वो होगा लाउडली। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखेंगे, यानी ऐसा एडवर्ब लिखेंगे जिससे जगह का पता चले। यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस है कमरे में, क्योंकि यही वो वर्ड है जिससे जगह का पता चला, तो आप लिखेंगे इन द रूम। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी वो एडवर्ब लिखेंगे जिससे टाइम का पता चले या समय का पता चलता हो, और वो है अब। आप बाद में लिखेंगे नाउ। और फ्रेंड्स, आपने सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया, वह अब कमरे में जोर से चिल्ला रहा है, ही इज क्राइंग लाउडली इन द रूम नाउ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि जब आपके सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब हो तो सबसे पहले आप एडवर्ब ऑफ मैनर लिखें, यानी वह एडवर्ब लिखें जिससे ढंग या तरीका का पता चलता हो। दूसरे नंबर पर आप एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखें, यानी वह एडवर्ब लिखें जिससे जगह का पता चलता हो। और तीसरे नंबर पे आप एडवर्ब ऑफ टाइम लिखेंगे जिसे समय का पता चलता हो या वक्त का पता चलता हो। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं। वह कल स्कूल में मुस्कुराते हुए भाषण दिया। तो फ्रेंड्स, आप कहेंगे ही मेड अ स्पीच स्माइलिंग इन द स्कूल यस्टरडे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने लिखा वर्ब, उसके बाद मैंने लिखा ऑब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखने के बाद बहुत सारे एडवर्ब्स आए हुए थे जिसको मुझे लिखना था। इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कौन सा एडवर्ब को पहले लिखें और किसको बाद में लिखें। तो फ्रेंड्स, यही बात मैंने आपको सिखाया कि सबसे पहले आप एडवर्ब ऑफ मैनर लिखें, यानी वह एडवर्ब लिखें जिसे काम करने का ढंग का पता चले। जैसा कि आप इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह एक ऐसा वर्ड है जिसे काम करने का ढंग का पता चल रहा है या तरीका का पता चल रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है इन द स्कूल, जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस। और तीसरे नंबर पर लिखा जाता है एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसा कि मैंने लास्ट में लिखा है यस्टरडे, जो है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।